गुड मॉर्निंग बच्चों, अब हम बेसिक में देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? फॉर एग्जांपल, एक पर्टिकुलर नंबर दिया तो हम उसको कैसे चेक करते हैं, वेदर दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, लाइक दिस वे। ओके, सो अब हम ये देखेंगे। सो फर्स्ट, डिविजिबल बाय 2। अब डिविजिबल बाय 2 होने के लिए क्या चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे नंबर लूंगा 3, 4, 5, 6, 9 एंड 4। ओके, सो ये नंबर दिया, वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नो? यस। व्हाई? बिकॉज वी हैव टू सी द फर्स्ट प्लेस, वंस प्लेस हमको देखना है। वंस प्लेस में अगर इवन नंबर आ रहे तो सारा नंबर क्या होता? 2 से डिवाइड होता। सो व्हाट आर दैट नंबर? 0, 2, 4, 6 एंड 8। इनमें से कोई भी एक नंबर यहाँ पे वंस प्लेस पे आ रहा, सो दिस होल नंबर इज द इवन नंबर एंड इट इज डिविजिबल बाय 2, 2 से डिवाइड हो जाता। नेक्स्ट वन इज डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3 के लिए क्या चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, मैं यह नंबर लिखूंगा 5, 2, 9, 8, 1, 5। ओके, वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट, होता है या नहीं होता, हम चेक करेंगे। सो फर्स्ट, सम ऑफ द डिजिट्स, सारे डिजिट्स को सम करना है। 5 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 5। 5 प्लस 2 इज 7, 7 प्लस 9 इज 16, 16 प्लस 8 इज 24, 25, 25 प्लस 5 इज इक्वल टू 30, 30 आ रहा ना। सो 30 इज द मल्टीपल ऑफ 3, 3 के टेबल में 30 आता, 30 3 से डिवाइड होता, इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट वन इज डिविजिबल बाय 4। अब 4 से होने के लिए क्या चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, 2, 9, 8, 4, 6, 2, 4। सो हमने फर्स्ट डिविजिबल बाय 2 के लिए वंस प्लेस, एक ही प्लेस हमने देखा था। सो डिविजिबल बाय 4 के लिए लास्ट के दो डिजिट्स 4 से डिवाइड होते या नहीं होते? इफ इट इज डिविजिबल बाय 4, देन द होल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। सो 24 डिवाइड होता। ओके, 4 1 4 4 6 जा, सो इट इज डिविजिबल बाय 4, इट मीन्स दैट द होल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। अब क्या भी आने दो, 7 2 9, बट दिस इज डिविजिबल बाय 4। नाउ डिविजिबल बाय 5, बाय 5। अब डिविजिबल बाय 5 होने के लिए क्या चाहिए? 3 2 9 8 5। सो द वंस प्लेस इट शुड बी ए 0 और 5। तो ये नंबर, जो भी नंबर आएगा डिविजिबल 5 से डिवाइड होने के लिए, वंस प्लेस पे क्या चाहिए हमको? 0 और 5, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट, डिविजिबल बाय 6। डिविजिबल बाय 6 के लिए क्या चाहिए? दैट नंबर, वॉट एवर बी द नंबर इज गिवन, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। 2 से भी डिवाइड होना, 3 से भी डिवाइड होना, तो ये पता चलता है कि इट इज डिविजिबल बाय 6। फॉर एग्जाम्पल, 7 3 9 8 4 2, मैं लिखता हूँ ऐसे ही। सो 2 आया, सो इट इज डिविजिबल बाय 2। वंस प्लेस पे 2 आया, डिविजिबल बाय 2 हो जाता। अब इसको सम करके देखेंगे, 7 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2। 7 प्लस 3 इज 10, +9 means 19, +8 means 27, 27 प्लस 4 इज 31, 31, सो +2 means 33, sum is 33, सो 33 आया, सो इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। सो 3 से भी डिवाइड होता, ओके, 33 इज डिविजिबल बाई 3, 33 से भी डिवाइड होता, और इसका फर्स्ट नंबर क्या है? 2 है वंस प्लेस पे, सो इट इज डिविजिबल बाई 2, 2 से और 3 से डिवाइड होता, सो इट मीन्स दैट 2 से भी होता, 3 से भी होता, इट मीन्स दैट 2 3 जा 6, सो इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6। बच्चों अब हम देखेंगे डिविजिबल बाय सेवन। सो डिविजिबल बाय 7 के लिए, फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा नंबर ले लेता हूं, 161। तो हमको क्या करना है? यूनिट प्लेस पे जो नंबर है इसको डबल करना है। इसका 1 का डबल क्या होता है? 2। ये 2 16 में से माइनस करना है, 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 14। यस, अब 14 जो है 7 का मल्टीपल है ना,
सो यहाँ पे आंसर या तो जीरो आना या सेवन में, सेवन के टेबल में जो नंबर आते हैं ना वो आना, जीरो सेवन फोर्टीन लाइक दिस. सो इट इज डिविजिबल बाय, इट इज डिविजिबल बाय सेवन. सिमिलर वे और एक एक नंबर लूंगा, 2975. सो 5 का डबल क्या होगा, 10. सो ये 10 जो है रिमेनिंग डिजिट्स में से सब्ट्रैक्ट करना, 297 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 287. सो 287 इज द मल्टीपल ऑफ 7, यानी तो इसको और एक बार चेक भी कर सकते, 287 डिवाइडेड बाय 7, 7 वन जा 7, 7 फोर जा एंड 7 वन जा नहीं, अभी बड़ा नंबर है और चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करना, फिर यूनिट प्लेस पे जो 7 है ना इसको डबल करना. 7 का डबल क्या होता, 14 होता. दिस 14 इज सब्ट्रैक्ट, 28 माइनस 14 ये कितना आ जाएगा, अगेन द 14. सो दिस 14 इज द मल्टीपल ऑफ 7, इट मीन्स वॉट, दिस इज डिविजिबल बाय 7. ओके, सो हमको आंसर में क्या चाहिए, या तो जीरो चाहिए या 7 के टेबल वाले नंबर चाहिए. ओके, 7 14 21 ऐसे. नेक्स्ट डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय 8. सो डिविजिबल बाय 8 के लिए क्या क्या चाहिए हमको, जैसे हमने देखा डिविजिबल बाय 2 के लिए वंस प्लेस में हमको क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए. डिविजिबल बाय 4 के लिए क्या चाहिए, लास्ट टू डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4. अब डिविजिबल बाय 8 के लिए क्या चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट्स हमको देखना है, वो 8 से डिवाइड होना. सो 7 8 5 6 8. ओके, सो वी हैव टू सी द लास्ट 3 डिजिट्स. ये लास्ट के 3 डिजिट अगर 7 8 से डिवाइड हो रहे, सो इट मीन्स द होल नंबर, या कुछ भी आने दो, 9 3 ऐसे कुछ भी आने दो. इफ द लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8, देन द होल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8. अभी होता नहीं होता, 5 6 8, 8 वन जा 8 सेवन जा एंड 8 वन जा, सो इट इज डिविजिबल बाय 8. सो इट मीन्स द होल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 8. नाउ डिविजिबल बाय 9, डिविजिबल बाय 9 मीन्स जैसे हमने 3 पे किया था सम ऑफ द नंबर किया था, सम ऑफ द डिजिट्स किया था, ऐसे ही यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, 3 7 8 9 4 2. मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखेंगे, सम ऑफ दीज डिजिट्स इज इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ 9, मतलब जो भी सम करने पर जो भी नंबर आ रहे ना वो 9 के टेबल वाले नंबर होना. सो 3 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 2, देखते हैं, 3 प्लस 7 इज 10, दिस इज द 18, 18 प्लस 9 मीन्स 27, 27 प्लस 4 इज कितना होता, 31, प्लस 2 प्लस 2 इज 33, यहाँ पे 33 हो रहा, पर 33 जो है 9 के टेबल में नहीं आता, आता नहीं आता. सो हम क्या लेंगे, क्या आता फिर, 36 आता. सो हम यहाँ पे एक 3 लेंगे, सो प्लस 3, सो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाता. यस 36. सो द सम ऑफ दीज डिजिट्स इज इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ 9, 9 के टेबल वाला नंबर आ रहा. इट मीन्स वॉट, दिस इज द दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9. तो ये सारा नंबर क्या होता, 9 से डिवाइड होता. नेक्स्ट डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय 10. डिविजिबल बाय 10 के लिए बहुत इजी है, उसका वंस प्लेस वाला नंबर क्या होना, 0 होना, 7 8 9 4 0, ये नंबर 0 होना, और 8 7 3 2 5 0. सो इट इज डिविजिबल बाय, इट इज डिविजिबल बाय 10. नाउ डिविजिबल बाय 11, डिविजिबल बाय 11 मीन्स जस्ट आई विल राइट द नंबर, 7 8 6 4 2 3. ओके, इसमें क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द इवन प्लेस डिजिट्स इवन प्लेस डिजिट्स एंड सम ऑफ द ऑड प्लेस डिजिट्स. इवन प्लेस डिजिट्स क्या होते हैं, देखो, फर्स्ट प्लेस पे ये है, सेकंड प्लेस पे ये है, सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस एंड द सिक्स्थ प्लेस. सो दीज आर द इवन प्लेस डिजिट्स, एंड ऑड प्लेस डिजिट्स इज 1 फर्स्ट प्लेस पे है, थर्ड प्लेस पे है,
देन फिफ्थ प्लेस पे है। सो इसका सम और इसका सम, दोनों का सम करके डिफरेंस किए तो क्या आना हमको आंसर, जीरो आना या मल्टीपल ऑफ 11 आना, देन इट इज डिविजिबल बाय, देन इट इज डिविजिबल बाय 11। चलो करके देखते हैं हम, पहले ऑड प्लेसेस लेते हैं, 3, 4 एंड 8। सो 3 + 4 + 8 - इवन प्लेसेस 2 + 6 + 7। थोड़ा ध्यान से, ओके मैं कौन से ले रहा हूं ये एक ध्यान से देखना है फर्स्ट। सो इवन प्लेसेस एंड द ऑड प्लेसेस, ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, माइनस ये भी 15 हो जाएगा, सो फाइनली इट इज 0। तो हमको यहाँ पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए या 11 का टेबल वाले नंबर आना चाहिए, 11, 22, 33 ऐसे आना चाहिए। सो इट मीन्स दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अब ऐसे ही डिविजिबल बाय 12, डिविजिबल बाय 12। सो डिविजिबल बाय 12 के लिए क्या चाहिए, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एज वेल एज 4। फॉर एग्जाम्पल 3, 2, 8, 5, 4, 8, ओके। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एज वेल एज इट इज डिविजिबल बाय 4। ये 3 से भी डिवाइड होना और डिवाइड किससे होना, 4 से भी होना, देन इट इज डिविजिबल बाय 4, 3 इज 12, इट इज डिविजिबल बाय किससे होता, 12 से होता। तो 4 से होता, ये लास्ट टू डिजिट्स 4 से डिवाइड होते, इट मीन्स दैट इट इज डिविजिबल बाय 4, तो ये 4 से हो जाएगा। अब 3 से पता करने के लिए 3 + 2 + 8 + 5 + 4 + 8, सो 3 + 2 = 5, 5 + 8 = 13, 13 + 5 = 18, 18 + 4 = 22, 22 + 8 = 30, 30 आ रहा, सो इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। सो इट मीन्स दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 12। ऐसे ही अगर 15 आ रहा डिविजिबल बाय 15 बल्कि आ रहा, या 14 आ रहा फर्स्ट 14 आ रहा, 15 आ रहा, देन 16 आ रहा, तब क्या करते, फॉर 14 के लिए इट इज़ डिविजिबल बाय किससे डिवाइड होना, ये 2 से एक डिवाइड होना और 7 से एक डिवाइड होना, ओके। सो देन इट इज़ डिविजिबल बाय वॉट एवर बी द नंबर इज कम्स हियर, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 7, 2 से भी होना 7 से होना, देन इट इज डिविजिबल बाय 14। सो सेम वे 15 के लिए भी क्या है, इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5, 3 से भी डिवाइड होना, 5 से भी डिवाइड होना, जो भी नंबर हम यहां पे ले रहे, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5, सो इट इज डिविजिबल बाय 15। नाउ फॉर दिस वन, फॉर द 16, हमने क्या किया था, डिविजिबल बाय 2 के लिए यूनिट प्लेस पे 1 डिजिट को चेक किया था, ओके। डिविजिबल बाय 4 के लिए 2 डिजिट को, लास्ट 2 डिजिट्स को चेक किया था। डिविजिबल बाय 8 के लिए कितने चेक किए थे, 3 डिजिट किए थे। डिविजिबल बाय 16 के लिए हम क्या करते, लास्ट 4 डिजिट को हम चेक करते, वेदर द लास्ट 4 डिजिट फ्रॉम द 1s, 10s, 100s, 1000, सो वेदर द लास्ट 4 डिजिट इज डिविजिबल बाय 16, देन वॉट एवर कम्स द न्यू नंबर्स दैट फुल नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 16। तो ऐसे आएगा, ओके। 13 के लिए भी है पर वो प्रॉपरली एग्जैक्ट नहीं है, सो इस तरह से हम पता कर सकते हैं।